सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त रुपेश लोधवाल। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप काइन मास्टर से 5 मिनट से भी कम के समय में एक बेहतरीन थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। कि आप किसी अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करके काइन मास्टर को ही यूज करें, क्योंकि काइन मास्टर से आप वीडियो भी एडिट कर सकते हो और काइन मास्टर से आप थंबनेल को भी क्रिएट कर सकते हो फुल HD क्वालिटी में। और गाइस थंबनेल से रिलेटेड आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा काम की होगी। सबसे पहली बात, आप जब भी थंबनेल क्रिएट करें बहुत ही सिंपल सा थंबनेल रखें, उस पर ज्यादा क्रिएटिविटी ना दिखाए, बहुत ही सिंपल सा थंबनेल आप रखें। क्योंकि ज्यादा सिंपल थंबनेल देखने पर आपकी ऑडियंस, आपके सब्सक्राइबर अट्रैक्टिव होते हैं और उस थंबनेल पर क्लिक करते हैं। और गाइस दूसरी बात यहाँ पर जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो का आप थंबनेल बना रहे हैं, तो गाइस थंबनेल पर आप एक बात ध्यान रखना है कि आप जो वीडियो में बताना चाह रहे हैं वो सारे के सारा आप थंबनेल पर ना लिखें, बहुत कम लिखे होंगे, क्वेश्चन मार्क भी वहां पर छोड़ दे के इस वीडियो पर क्या होगा ऐसा कि सामने वाला उस पर क्लिक करें। तो गाइस यहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप काइन मास्टर से कैसे थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना है कि आप 5 मिनट से भी कम के समय में थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी क्रिएटिविटी है। आपकी कितनी क्रिएटिविटी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक थंबनेल 10 मिनट में बनाते हैं या 15 मिनट में बनाते हैं। लोग 2-2 घंटे में एक थंबनेल को क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं काइन मास्टर से 3 से 5 मिनट के अंदर ही एक थंबनेल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से थंबनेल को क्रिएट करेंगे। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम वहां पर मैं सॉल्व करता हूं और आपको फुल सपोर्ट वहां पर करता हूं। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी करे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप देख सकते हैं काइन मास्टर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करना है, तो सिंपल सा हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 16:9 पर आपको क्लिक करना है, अगर आप YouTube का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो। तो गाइस हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना थंबनेल क्रिएट करें तो यहाँ पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आपकी भी दिखाना होगी, तब जाकर एक अच्छा थंबनेल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो आपने जो फोटो डाउनलोड करके रखा है अपने बैकग्राउंड पर यूज़ करने के लिए, उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने इस पर क्लिक किया, फिर राइट पर क्लिक किया। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ओपन हो चुका है। तो गाइस यहां पर आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। गाइस आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको बैकग्राउंड पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर याद रखें कि आप अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी खुद भी दिखाएं, तो मैं इस पर बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से वाइट बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर हम राइट क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये वाइट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया। आप यहाँ देख सकते हैं कलर तैयार हो चुका है। अब इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस कॉर्नर पर सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद राइट पर क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप एक बार ध्यान रखें, यहाँ पर आप जो फोटो लगाना चाहते हैं, चाहे वो आपका फोटो हो या आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं खुद के फ़ोटो को अपलोड करूँगा या मीडिया पर क्लिक करने के बाद। तो हम मीडिया पर क्लिक करते हैं। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं मेरे फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप चाहे तो इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसको मैनेज करने के बाद यहाँ पर हम इसको कॉर्नर पर सेट करेंगे। सेट कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 90% में से 30% लोगो तैयार हो चुका है। गाइस अब आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक डेमो बता रहा हूँ, आप इसी तरह से और इससे भी अच्छे डेमो यानी इससे भी अच्छे थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे ब्लैक वाला बैकग्राउंड, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से मैनेज करके फुल साइज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। गाइस आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। गाइस इसी तरह से आप यहाँ पर करके राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर उठाकर आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं ब्लैक पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको यहाँ से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो गाइस सिंपल सा मैं इसको इस तरह से यहाँ पर सेट कर देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब ये ब्लैक जो बैकग्राउंड है ये मेरा फोटो के ऊपर आ रहा है। तो सिंपल सा आप करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोटो पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा, फिर आपको राइट क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर थंबनेल थोड़ा बहुत फिर से तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी आपकी वीडियो पर आप जो बताना चाहते हैं यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। तो आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद हमको यहाँ पर से कलर चेंज करना है। तो यहाँ से आप जो पसंद करते हैं उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे ब्लैक को सिलेक्ट, यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर तैयार हो चुका है जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बोल्ड यहाँ पर हो चुका है। गाइस अब यहाँ पर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो हम छोटा सा इसको कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको काइन मास्टर से हम लोगो बनाना सीख रहे हैं, तो मैं इसी पर थंबनेल बना रहा हूँ। तो फिर से मैं लेयर पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करूँगा और यहाँ से काइन मास्टर का लोगो निकाल कर लाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा काइन मास्टर का लोगो यहाँ पर आ चुका है। अब इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर हमने सेट किया, सेट करने के बाद इसको यहाँ पर पास में लाए, फिर यहाँ पर हमको थोड़ी सी जगह और मिल रही है, तो हम इसको फिर से क्लिक करके डबल क्लिक करके यहाँ से और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो गाइस आप इसी तरह से अपना थंबनेल काइन मास्टर पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सबसे सिंपल वे यहां पर आपको दिखाई देगा। आप इससे सिंपल तरीके से कहीं पर भी लोगो क्रिएट नहीं कर सकते। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं एक मिनट में बनाओ। अब बनाना क्या आपको वो भी बताना जरूरी है। तो सिंपल सा आपको लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप जो भी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको काइन मास्टर को यूज़ करना याद है तो। हम लेयर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं यूट्यूब का लोगो इंटर करूँगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद इसको मैनेज यहां से कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं काफी मस्त लुक आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको यहां पर जो ब्लैक बैकग्राउंड हमने लिया है यहां पर आपको लिखना है थंबनेल। तो हम यहां पर थंबनेल को टाइप कर देंगे। सबसे पहले यहां पर आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहां पर हम टाइप करेंगे थंबनेल। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया, ओके पर प्रेस किया, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये वाइट है। हम इसको मैनेज करके यहाँ पर लाएंगे, लाने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका थंबनेल तैयार है, और आपने जो थंबनेल लिखा है वो भी तैयार है, और आपका यहाँ पर थंबनेल भी तैयार हो चुका है। आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम फ़ॉन्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारे फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाते हैं, आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा इस वाले फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका थंबनेल काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा लोगो यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बाकी है, जिसको यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। तो गाइस अब आपको यहाँ पर सबसे पहले करना कुछ नहीं है, अगर आप अपना लोगो बना रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपका वीडियो है तो आपका थंबनेल पर फ़ोटो होना ज़रूरी है। अगर आप फेस कैम वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप अपना लोगो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे लोगो को भी ऐड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लोगो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद लोगो ओपन हो चुका है। अब चाहे तो इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, और इसको कहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको सेट किया, काफ़ी मस्त लोगो यहाँ पर हमने सेट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका थंबनेल भी पूरी तरह से यहाँ पर रेडी हो चुका है। और गाइस थंबनेल के बारे में एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, जिसको आप हमेशा थंबनेल बनाते टाइम ध्यान रखें। आप अपनी वीडियो में जो बताना चाह रहे हैं सारी बातें आपको थंबनेल पर कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप सारी बातें थंबनेल पर ही लिख देते हैं तो सामने वाला अगर उसी टॉपिक पर कोई वीडियो देखकर आता है तो आपकी वीडियो पर वो क्लिक करेगा क्यों। तो गाइस इस बात का हमेशा याद रखें कि आप जो भी थंबनेल बनाते हैं आप अपनी वीडियो के बारे में बहुत कम लिखें अपने थंबनेल पर।
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कम मेहनत में आपका अच्छा थंबनेल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर आप जाते हैं पिक्सल लेब पर और अपना थंबनेल वहाँ पर बनाते हैं तो सबसे पहली बात, पिक्सल लेब एक बहुत ही कठिन एप्लीकेशन है, आपको आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन काइन मास्टर काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। यहाँ से आप अपना थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी वीडियो को भी क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको इस थंबनेल को डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्चर का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारा फोटो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है और हमारा थंबनेल भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थंबनेल हमने क्रिएट किया है फुल स्क्रीन पर देखने के बाद काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और गाइस आप इसी तरह से काइन मास्टर से भी थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सबसे सिंपल तरीका है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप 5 मिनट से भी कम के समय में एक बेस्ट थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो लंबी थी, सिर्फ सिखाने के लिए आपके लिए वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन आप थंबनेल अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट से भी कम के समय में एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।